हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी स्मार्ट वॉच को फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। बस कि जो स्मार्ट वॉच है उसमें ये रिकमेंड होना चाहिए कि फिटप्रो ऐप से कनेक्ट हो सकती है। जैसे T55 स्मार्ट वॉच है, फिटप्रो ऐप से कनेक्ट हो सकती है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम कैसे फिटप्रो ऐप से कनेक्ट करेंगे स्मार्ट वॉच को। तो ये बहुत ही ईजी है गाइस। तो हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है फ़ोन में फिटप्रो ऐप। तो ये देखिए गाइस, मैंने फिटप्रो ऐप डाउनलोड कर दिया है। इसके अभी मैंने इसे एक्सेस दी है मीडिया की। तो आप देख सकते हो यहाँ डिवाइस डिस्कनेक्ट लिख के आ रहा है। तो आप कोई भी स्मार्ट वॉच को जो जिस पे रिकमेंड है कि फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कर देना है। तो जैसे मैंने ऐप को ऑन किया, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और लोकेशन और ब्लूटूथ, ये दो चीज़ें मेन होती हैं स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं की अच्छे से तो स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं होगी। तो अभी मैं सेट पे जाऊंगा। तो आप सेट पे देख सकते हो कि जो भी फिटप्रो ऐप है ना, यहाँ लिख के आता है कि डिवाइस अभी डिस्कनेक्ट है। तो अगर आपको डिवाइस फाइंड करना है तो यहाँ क्लिक करो। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, लोकेशन की एक्सेस लेगा। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि ये सर्च हो रहा है। अब फ़ोन सर्च करेगा स्मार्ट वॉचेस को। और अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो सर्च में भी, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से QR कोड का ऑप्शन होता है, उसे स्कैन कर लेना एक बार। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, कैमरे की एक्सेस लेगा और आप देख सकते हो कि QR कोड से स्कैन हो रहा है। तो अभी तो हमारी वॉच फाइंड हो चुकी है T55। अभी मैं T55 को कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप कोई भी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो जिस पे रिकमेंडेड फिटप्रो ऐप। तो आप देख सकते हो कि कंप्लीट हो चुकी है और वॉच का डिस्प्ले चालू हो गया और टाइम सेट हो चुका है। तो आप देखोगे कि यहाँ जो मेरा स्टेप का टारगेट है वो इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है। मैंने वॉच अभी चालू की थी इसलिए स्टेप काउंट अभी 0 आ रहा है, तो वैसे आता है। और इसकी सबसे खास बात है कि आप आपके ऐप से ही स्टार्ट कर सकते हो आपकी हार्ट रेट काउंट करना। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। अब आपको चेक करना है कि आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको फाइंड पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि वॉच फाइंड हो रही है, इसका मतलब है कनेक्ट हो चुकी है। आप कोई भी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं मेन फीचर की बात करूँगा। तो मेन फीचर होता है कॉलिंग, म्यूजिक। ये सब आप कैसे करोगे जब आपने फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर दिया? तो फिटप्रो जो ऐप होता है ना, वो सिर्फ कनेक्ट करता है वॉच की चीज़ें, मतलब फीचर्स वॉच के कनेक्ट करता है, पर वॉच की कॉलिंग, म्यूजिक ये सब नहीं कनेक्ट करता। तो आपको अब ब्लूटूथ में जाना है। तो ब्लूटूथ में जाने से पहले आपको, अगर आपकी वॉच में ब्लूटूथ है तो उसे ऑन कर देना है। जैसे ये स्मार्ट वॉच है, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये स्मार्ट वॉच है, इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है डुअल मोड। तो ये देखिए, डुअल मोड जो ऑप्शन है ना, आपको इसको ऑन कर देना है। तो डुअल मोड नाम का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप बोलोगे ब्लूटूथ। तो आपने जैसे ब्लूटूथ मोड, डुअल मोड ऑन कर दिया, मींस वॉच का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब आपको आपके फ़ोन में ब्लूटूथ खोलना है। तो आप देखोगे कि ये जो वेल ऑडियो डिवाइस है ना, ये इसी वॉच का है। अब मैं आपको इसको अनपेयर करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अब आप देखोगे कि यहाँ सर्च हो चुका है अवेलेबल डिवाइस इज वेल ऑडियो। तो वेल ऑडियो डिवाइस जो है अभी कनेक्ट होगा स्मार्ट वॉच से। तो आप देखोगे कि पेयरिंग के लिए हमें ओके कर देना है। अगर आप ओके करोगे तो ही पेयर होगा। तो अब देखो, आप यहाँ लिख के आ चुके हैं कनेक्ट फॉर कॉल्स एंड ऑडियो। तो अभी ऑडियो और कॉल्स के लिए कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं म्यूज़िक में जाऊँगा और अब मैं म्यूज़िक में ये सॉन्ग को प्ले करूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो आवाज़ है ये वॉच में से आ रही है, फ़ोन में से नहीं आ रही। ये देखिए गाइस, यहाँ स्पीकर है वॉच के, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। अब मैं सॉन्ग को पॉज कर दूंगा तो आवाज़ पॉज हो जाएगी। तो आप ऐसे फिटप्रो ऐप को कनेक्ट कर सकते हो ऑडियो से। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर बता देता हूँ कि अब आपने ऑडियो से कनेक्ट कर लिया है और कॉल्स भी कनेक्टेड है। अब आपको वापस आपके फिटप्रो ऐप में जाना है। अब इसमें एक बहुत ख़ास फीचर है जिसका
नाम है वेकअप वॉच की। आप अगर इसको क्लिक करोगे और आप वॉच का डिस्प्ले ऑन है तो वॉच का डिस्प्ले अभी ऑफ है, तो आप बिना इसको टच किए ऑन भी कर सकते हो। मैंने वॉच का बटन को हाथ नहीं लगाया है, खुद ऑन हुआ है। तो अगर आप इसको हाथ में पहनोगे, हाथ को बस ऐसा करोगे तो वॉच का डिस्प्ले खुद ऑन हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है, आप इसे भी ऑन कर सकते हो। आप इसमें डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन कर सकते हो और इसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अलार्म सेट करना है तो आपके वॉच में ही अलार्म है, ये भी बहुत अमेजिंग है। और यहाँ आप सेटिंग रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो कि आपको कितनी देर तक बैठना है, तो आपको रिमाइंडर आएगा। और यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वॉच को फाइंड कैसे करना है। तो ये फिट प्रो ऐप की पूरी फीचर्स है। और यहाँ रिमोट शटर बोल के फीचर है कि आप आपकी वॉच से फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 3, 2, 1, और ये फोटो क्लिक हो चुकी है। ये देखिए फोटो नीचे आ गई है। अब यहाँ मैसेज पुश है कि आप मैसेज पुश में जाओगे तो आप आपके फ़ोन से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब की नोटिफिकेशन ले सकते हो। इसको ऑन कर, जैसे आप इसे ऑन करोगे आपको पूरी नोटिफिकेशन आने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि आप आपके वॉच में कॉन्टैक्ट्स भी सेव कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से अगर मैंने ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ नेम भी आ गया और नंबर भी आ गया। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स भी सेव कर सकते हो। और यहाँ अदर्स ऑप्शन काम का नहीं होता, OTA भी काम करने नहीं, तो बैकग्राउंड सेटिंग्स भी काम का नहीं होता है। और इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है डायल सेटिंग्स। डायल सेटिंग्स से आप आपके वॉच में वॉलपेपर सेट कर सकते हो। पर डायल सेटिंग्स अब जैसे T55 है, T55 के ओल्ड वर्जन में डायल सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं होता, न्यू वर्जन में डायल सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो न्यू वर्जन में आपको जैसे आप ऐप से कनेक्ट करोगे खुद ही यहाँ डायल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ऐप का फॉल्ट नहीं है, अगर वॉच में ऑप्शन होता है तो ऐप खुद ही शो कर देता है कि यहाँ डायल सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो आप उससे अपने वॉच में आपकी फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो और भी कई सारे अमेजिंग HD वॉलपेपर्स लगा सकते हो डायल सेटिंग्स की मदद से, जो यहीं आता है डायल सेटिंग्स का ऑप्शन। फिर यहाँ आ जाता है मोशन कि आप वॉकिंग कितने किलोमीटर्स की किए, रनिंग और बाइक। अगर आप बाइक पे भी पहन के इसे ऑन करोगे, इसे स्टार्ट करोगे तो ये आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा। इसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी होता है, अगर आप इसको लॉगिन नहीं करोगे तो ये ट्रैक नहीं करेगा। यहाँ आपकी फिट प्रो ऐप की आईडी आ जाती है कि अगर आपको लॉगिन करना है कि नहीं, आपकी प्रोफाइल के आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने किलोमीटर्स हुए। और यहाँ से आप आपकी यूज़र प्रोफाइल पे जा सकते हो, यहाँ से आप आपका नाम सेव कर सकते हो। यहाँ आप आपकी एज, हाइट, वेट सब यहाँ आप पुट कर सकते हो। इससे आपका पूरा डाटा आ जाता है फिट प्रो ऐप में और आपकी वॉच में भी। और आप अबाउट में जाओगे तो आपको ऐप का अबाउट मिल जाएगा फिट प्रो ऐप। तो मैं वापस होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो ऐसी ही आप आपके फिट प्रो ऐप को कोई भी वॉच से कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।